हेलो एवरीवन, मेरा नाम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे 958 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा एक टेरेस फ्लैट, जो कि है माउंटेन व्यू वाला फ्लैट है। पूरा सिटी का व्यू इस वाले फ्लैट से आपको मिल जाएगा। प्राइस भी आपका रिजनेबल रहेगा, स्टेशन से भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, कंप्लीट वीडियो देख लेना है। आज मैं आपको दिखाऊंगा 958 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस बिग टेरेस फ्लैट। अफोर्डेबल प्राइस है, रेरा रजिस्टर प्रॉपर्टी है, G+7 का बिल्डिंग है विथ एमिनिटीज़ के साथ में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 BHK, 1 RK और 2 BHK। नॉर्मल 2 BHK फ्लैट चाहिए या फिर 2 BHK प्लस टेरेस फ्लैट आपको लेना है तो भी इस वाली बिल्डिंग पर ऑप्शन अवेलेबल है। रेडी टू मूव है, 90-95% बैंक लोन पॉसिबल है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपको कमेंट्स करके पूछना नहीं पड़ेगा कौन सा लोकेशन है, कितना डिस्टेंस है, कितना प्राइस है, सभी प्राइस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए लिविंग पे चलते हैं। लिविंग से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे फ्लैट को। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल लिविंग के सामने। सबसे पहले आप डोर को देख लीजिए, अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर आपको डोर दिए गए हैं। कॉर्नर वाला फ्लैट है तो ये पूरा एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। सामने की तरफ आपका लिफ्ट रहेगा, दो लिफ्ट इस वाले बिल्डिंग पर आपको दिए गए हैं। सेंटर में आपका लिफ्ट रहेगा, सामने आपका स्टेयरकेस रहेगा और इस तरफ है आपका फ्लैट। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। बिग साइज़ का 2 BHK है, बड़ा कारपेट एरिया में चाहिए, टेरेस फ्लैट चाहिए तो आप इस वाले प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हो। लिविंग का साइज़ आपको अच्छा खासा ही मिल जाएगा, गिन के मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 18 फीट 19 फीट का आसपास ये आपका लंबाई है। 19 फीट के आसपास ये आपका लिविंग है दोस्तों, और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट रहेगा। 19x9 का यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपका लिविंग है ना, कमाल का लिविंग। फॉल सीलिंग आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपका फॉल सीलिंग रहेगा। सेंटर में आपका फैन रहेगा, 4 LED लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का, और सामने की तरफ आपका बड़ा सा विंडो। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका विंडो हो गया और ये आपका बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके का, देख लीजिए। ये आपका बाहर का व्यू है, बिल्कुल रेडी टू मूव में है ये बिल्डिंग। एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, ये आपका हो गया दोस्तों लिविंग। किचन की तरफ चलते हैं, इस तरफ है आपका किचन और टॉयलेट और बाथरूम। सबसे पहले आप वाटर टैंक के लिए जगह, और ये आपका हो गया बाथरूम। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स लगाकर आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 फीट ऐसे में आपको, और ऐसे में आपको 1, 2, 3, 4 फीट 4x4 के आसपास ये आपका बाथरूम है। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स, ऊपर आपको गीजर के लिए पॉइंट दिए गए हैं, और इस तरफ है आपका विंडो। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको मिल जाएगा टॉयलेट, जो कि आपका रहेगा इंडियन। ये भी आपका अप्रोक्स 3x3 के आसपास रहेगा आपका टॉयलेट। वॉल टू वॉल सेम एज इट इज टाइल्स, और इस तरफ है आपका विंडो। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा किचन। किचन का साइज़ एक बार आप देख सकते हो, साइज़ मैं आपको गिन के बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 8.5 फीट के आसपास ऐसे लंबा है, और ऐसे में आपको मिल जाएगा 4 फीट के आसपास आपको ऐसे में मिल जाएगा। ऐसे में आपको कितना बोला मैंने, 1, 2, 3, 4 8 फीट 8.5 फीट के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया, कुछ इस तरीके का आपका प्लेटफॉर्म रहेगा। स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पर सिंक मिल जाएगा, पानी ग्राम पंचायत प्लस बोरिंग कनेक्शन दोनों ही कनेक्शन अवेलेबल रहेगा। वॉल टू वॉल ब्यूटीफुल टाइल्स आपको यहाँ पर लगाकर दिए गए। एक आपको पावर पॉइंट मिक्सर के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, एक पावर पॉइंट आपको सामने की तरफ मिल जाएगा जो कि आप एक्वा के लिए यूज़ कर सकते हो। फ्रिज के लिए आपको इस वाला कॉर्नर पर पावर पॉइंट दिए गए। इस तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा विंडो 5x4 के आसपास आपको मिल जाएगा यहाँ पर विंडो। और इस तरफ एक आपको ड्राई बालकनी मिल जाएगा, चाहो तो आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हो। एक आपको वाटर कनेक्शन प्लस पावर पॉइंट आपको मिल जाएगा ये ड्राई बालकनी में आपको। इस तरफ से हम जाएंगे बेडरूम की तरफ। टेरेस बहुत ही बिग साइज़ का है दोस्तों, 2 BHK में बड़ा टेरेस चाहिए तो आप इस वाले प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हो। ये आपका हो गया बड़ा सा पैसेस। यहाँ पर एक और बाथरूम है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वो आपको बेडरूम में मिलेगा। फर्स्ट वाला बेडरूम आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का है आपका फर्स्ट नंबर बेडरूम। साइज़ भी अच्छा खासा ही है, 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट के आसपास ऐसे में आपको 9 फीट है, और लंबाई में ये 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 10x9 के आसपास आपको ये फर्स्ट नंबर बेडरूम हो गया। सीलिंग कुछ इस तरीके का है, सेंटर में आपका फ़ैन लग जाएगा। इस तरफ आपका बड़ा सा विंडो, फ्रेंच विंडो मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बालकनी। ये भी आपका अप्रॉक्स 3 फीट के आसपास ऐसे है, और ऐसे में लंबाई में आपका वही 9 फीट के आसपास या फिर 10 फीट के आसपास लंबाई में। बेडरूम आपका 10 फीट था तो ये भी आपका 10 फीट के आसपास ये लंबा रहेगा, और व्यू कुछ ऐसे आपको मिलेगा, देख लीजिए कुछ ऐसे व्यू रहेगा इस वाले बेडरूम से। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये आपका हो गया बेडरूम दोस्तों 9x10 का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर बेडरूम। अब हम देख लेते हैं
सेकेंड वाला बेडरूम। जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको एक और मिल जाएगा बाथरूम, ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेस्टर्न। पहले वाले पे आपने देखा इंडियन, एक में आपको मिल जाएगा इंडियन, एक में आपको मिल जाएगा वेस्टर्न। साइज़ में आपको गिन के बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 फीट ऐसे लंबाई में ये 5 फीट है, और ऐसे में आपको 1, 2, 3, 4 यानी कि 4x5 के आसपास आपको दिए गए आपका सेकेंड वाला बाथरूम, जो कि आपका मास्टर बेडरूम है। और इस तरफ है आपका बेडरूम, देख लीजिए ये आपका सेकेंड वाला बेड हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी आपका 10 फीट के आसपास ये लंबाई है, और ऐसे में आपको मिल रहा है कितना, 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट के आसपास आपको मिल रहा है। तो ऐसे में 9, ऐसे में आपको 10 फीट के आसपास, सेम आपने फर्स्ट नंबर जो देखा बेडरूम एज इट इज़, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बेडरूम। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा आपको मिल जाएगा विंडो, यहाँ पर आपको बालकनी नहीं दिए गए हैं, बाकी आपका कुछ इस तरीके का आपका विंडो रहेगा, और ये आपका बाहर का व्यू रहेगा कुछ इस तरीके का, देख लीजिए पूरा ग्रीन व्यू आपको यहाँ से मिलेगा बारिश के वक्त। ये पूरा आपको, ये जो माउंटेन आप देख पा रहे हो, ये पूरा ग्रीन ग्रीन चारों तरफ आपको यहाँ पर ग्रीन ग्रीन देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेरेस के तरफ, जो कि है बहुत ही बिग साइज़ का है आपका टेरेस, देख लीजिए 958 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस बिग टेरेस है दोस्तों। ये रहा, ये आपका टेरेस हो गया, ये पूरा एरिया आपका टेरेस है। पोजीशन जब चाहो तब आप ले सकते हो। साइज़ में आपको इसका टेरेस का एक रफली बता देता हूँ, ताकि एक आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि मोटा मोटा देखा जाएगा तो ये 16 फीट आपका लंबा है टेरेस, और ऐसे में आपको कितना मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि ये भी 16 फीट 17 फीट। यहाँ से अगर आप देखेंगे कॉर्नर से तो ये 17 फीट है, और ऐसे में आपको देखेंगे तो 16 फीट के आसपास आपको यहाँ पर टेरेस दिए गए हैं, जो कि बहुत ही बिग साइज़ का है दोस्तों ये आपका टेरेस। और यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा ना, एक अलग सा व्यू मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऐसे व्यू मिलेगा, पूरा सिटी का आपको यहाँ पर व्यू मिल रहा है, देख लीजिए चारों तरफ का व्यू मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। इस तरफ का भी आप व्यू देख लीजिए, सेम जो आपने बेडरूम का व्यू देखा वो आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा सिटी का व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। प्रॉपर्टी लोकेशन में आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टी है नेरल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में है ये बिल्डिंग, जो कि है G+7 का बिल्डिंग, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, OCB आ चुका है। पजेशन जब चाहो तो आप पजेशन ले सकते हो, रेडी टू मूव में है। 90-95% बैंक लोन पॉसिबल है। 1 RK 1 BHK 2 BHK और 2 BHK प्लस टेरेस फ्लैट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। तो प्राइस कितना है इसका, जो प्राइस है 36 लाख विथ रजिस्ट्रेशन प्राइस है, इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली जो 1 RK का कीमत है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन में मिलेगा, 13,50,000 में 1 RK है। और प्रॉपर 1 BHK में अगर आप जाएंगे तो प्रॉपर 1 BHK आपको चला जाएगा 18 लाख 18.5 लाख 19 लाख 20 लाख, डिफरेंट आपका एरिया रहेगा, डिफरेंट प्राइस रहेगा। नॉर्मली 2 BHK में जाएंगे तो आपको 27-28 का आसपास यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता उन सभी को मैं बता देता हूँ, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्ज स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।